नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मेरे पास एक इंक्वायरी आई ग्रोसरी शॉप की। उन्होंने मुझे अपने यहाँ इनवाइट किया। जब मैं वहाँ पर गया और मेरी ओनर से बात हुई तो उन्होंने कहा, बंसल जी, हमारा काम तो बहुत बढ़िया है लेकिन सेविंग नहीं होती, बचत नहीं होती, पता नहीं चल रहा कि इनकम कहाँ चली जाती है। काम बहुत बढ़िया है। जब मैंने शॉप की विज़िट की तो वहाँ पर क्या देखा, शॉप ईस्ट फेसिंग पूर्व मुखी थी और उसी के साथ में साउथ में भी एक गली लगती है। शॉप की जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर, जो कि एंट्रेंस बहुत ही अच्छी है। ओनर की सिटिंग साउथ ईस्ट में यहाँ पर है। साउथ वॉल पर भी रैक लगा हुआ है, वेस्ट वॉल पर भी रैक है, नॉर्थ वॉल पर भी रैक है और बीच में यू शेप में काउंटर लगाए हुए हैं। इसी के साथ ये सेटअप तो बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने गलती कहाँ कर रखी थी, कहाँ पर किस वजह से वास्तु दोष बना हुआ था? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इन्होंने यहाँ पर एक डी फ्रिज रखा हुआ है और ऐसे ही एक एंट्रेंस इनकी शॉप के साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनती है। बैक साइड में इन्होंने अपना गोडाउन बनाया हुआ है और गोडाउन का जो शटर लगा हुआ है वो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा हुआ है, जिससे कि गाड़ी गली के अंदर आती है और माल उतार देती है और वो माल कंप्लीट वेस्ट वॉल के साथ यहाँ रख देते हैं, नॉर्थ वॉल के साथ यहाँ पर भी रख देते हैं और ईस्ट वॉल के साथ भी माल रख देते हैं। बीच में स्पेस मिलता है तो बीच में भी स्पेस में माल भर देते हैं, क्योंकि ग्रोसरी का काम है, माल बहुत सारा आता है, बहुत सारी आइटम होती है, तो उसके लिए इन्होंने बैक साइड में स्टोर बनाया हुआ है। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार इनके यहाँ क्या क्या मेजर कमियाँ थी जिसकी वजह से इनको फाइनेंस से संबंधित दिक्कत आ रही थी, पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही थी, जो सेविंग होनी चाहिए थी वो सेविंग नहीं होती इस ग्रोसरी शॉप के अंदर, यानी किराने की दुकान के अंदर वास्तु दोष कहाँ कहाँ पर बनता है? एक तो साउथ वेस्ट का जो शटर है ये गलत है, दूसरा जो साउथ वेस्ट में दरवाज़ा लगाया हुआ है ये गलत है, तीसरा जो नॉर्थ ईस्ट में डी फ्रिज रखा हुआ है ये गलत है, चौथा साउथ ईस्ट में जो ऑनर की सीटिंग है ये गलत है। साउथ ईस्ट में जब भी ऑनर बैठता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उस व्यक्ति का बीपी हाई रहता है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा ही पैसे की दिक्कत बनी रहती है। तो मैंने उन्हें उपाय बताए, आपने अपने यहाँ पर क्या काम करने हैं। सबसे पहले तो आपने अपने यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में डीप फ्रीज रखा है, इस डीप फ्रीज को यहाँ से हटाकर साउथ ईस्ट जोन में इस हिस्से में लेकर आए। सेकंड, जो ऑनर की सीटिंग साउथ ईस्ट में, इसको यहाँ से हटाकर वेस्ट साउथ वेस्ट में या साउथ साउथ वेस्ट की ओर यहाँ पर बनाए। तीसरा, जो ये डोर है इस डोर के ऊपर डोर क्लोजर जरूर लगाए, मैक्सिमम टाइम ये डोर बंद रहे, अगर डोर चेंज करना पॉसिबल हो तो इस डोर को यहाँ से बंद करके वेस्ट सेंटर में यहाँ पर बनाए। यहाँ से आना जाना होगा तो ये मान के चलिएगा कि दुकान के अंदर बरकत भी जरूर होगी। इसी के साथ जो साउथ वेस्ट में शटर लगा हुआ है, इस शटर के कारण भी उस दुकान के अंदर जो बचत होनी चाहिए वो बचत नहीं होती, वो इनकम घर तक नहीं जाती और कॉन्फिडेंस लेवल भी कम रहता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, क्योंकि बैक साइड में गोडाउन है, गोडाउन है तो शटर तो लगाना ही पड़ेगा, उसके लिए आपने करना क्या है, इस शटर को यहाँ से बंद करके और यहाँ इस कॉर्नर में शटर को लगाएं। शटर के ऊपर आपने क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर करना है और इसी के साथ जब शटर यहाँ से हटके यहाँ जाएगा तो इस हिस्से में आप माल भरना शुरू करें। यहाँ पर माल जब भी भरेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा हैवी स्टोरेज होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। वेस्ट वॉल नॉर्थ साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक इस हिस्से में सबसे ज़्यादा माल भरें। वेस्ट वॉल पर हैवी सामान रखना है और ईस्ट वॉल पर आपने हल्का सामान रखना है। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ आपने कुछ काम और करने हैं, जो हमारी नॉर्थ वॉल है इस वॉल पर बिल्कुल आपने लाइट वेट का सामान रखना है और जो आपकी साउथ वॉल है इस वॉल पर आपने हैवी सामान रखना है और यहाँ पर रैक से
जो ऊपर का हिस्सा होता है उसके ऊपर भी माल भर के रखना है, और जो नॉर्थ वॉल है, नॉर्थ वॉल में रैक से ऊपर जो स्पेस बचता है उसके ऊपर सामान नहीं रखना है, माल नहीं रखना है। ऐसे ही जो आपकी वेस्ट वॉल है, इस वॉल पर भी आप माल सीलिंग तक टच करके, छत तक टच करके रख सकते हैं। जब आप गेट वेस्ट वॉल पर यानी वेस्ट में सेंटर में ले आएंगे तो ये हिस्सा बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना सबसे हैवी सामान रखें। ऐसा करने से आपके यहाँ बचत आनी शुरू हो जाएगी। आपकी दुकान जो प्रॉफिट का नहीं पता चलता कि प्रॉफिट गया कहाँ, वो प्रॉफिट सामने दिखना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक मेजर कमी और है, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इलेक्ट्रिक मीटर भी लगाया हुआ है और यहीं पर इन्वर्टर भी रखा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रिक मीटर भी हट सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश कीजिएगा इसे हटाएं। और यहाँ पर जो इन्वर्टर रखा हुआ है, इस इन्वर्टर को भी यहाँ से हटाकर अपनी दुकान के साउथ ईस्ट कॉर्नर में लेकर जाएं, यानी शिफ्ट करें। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपकी दुकान के अंदर बरकत आनी शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आपकी भी अपनी किराने की दुकान है, होलसेल की है या रिटेल की है, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप भी अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।